उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल लोगों को रिझाने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के द्वारा पिछड़ी जाति को लेकर एक सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाति जनगणना पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव रहे और वह मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख एजेंडे में जाति जनगणना है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सही स्थिति निकल कर सामने नहीं आएगा। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से लगातार कोरोना को लेकर प्रवचन देते नजर आए और जब मीडिया ने बताया कि आपके कार्यक्रम में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है जो कि कोविड प्रोटोकॉल में आता है, तब लेकर उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। लगातार काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख एजेंडों में जातिगत जनगणना है, इसीलिए इस सम्मेलन का जो मुद्दा है जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना हो, मैं आपको एक विशेष बातें बताना चाहता हूं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सही स्थिति साफ निकल के नहीं आएगी, और जब तक स्थिति साफ नहीं आएगी तब तक आप इनके लिए कोई योजना बनाने की बात कहिए, कोई सुविधा देने की बात कहिए, इनको मुख्य धारा में लाने की बात कहिए, या अंतोगत्वा जो हम राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं या देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, तो देश को विश्वगुरु बनाना और देश राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है पिछड़ों से होकर गुजरता है। जब पिछड़ों के होकर गुजरता है तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमें बात करनी होगी, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में बात करनी होगी, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उस पर बात करनी होगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आज ये था। धर्मेंद्र, कोरोना जो है पार्टी लेवल देख कर आती है, जाति देख कर आती है या सबके पास आती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देश जो है संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है और उसकी एक सरकार होती है। नीति बनाना सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम होता है उसको सजग करना। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको कोविड गाइडलाइन जारी करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस रैली में कितने लोग आने चाहिए, उसके बारे में क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए। उसका पालन हम लोग पूरी तरह से करने को तैयार है। चुनाव आयोग जिस तरह का गाइडलाइन देगा कोविड को लेकर के, समाजवादी पार्टी हर एक नियम को पूर्णतया पालन करेगी, अक्षर से पालन करेगी। ऐसे में जो मास्क लगाने की बात कही गई और 2 गज जरूरी, ये लगातार ये प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या लगता है कि इसका लोग पालन कर रहे हैं या आपके पार्टी द्वारा इसका पालन किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने अपने इंटरनल सर्कुलर में इस बात को हर जिलाध्यक्षों को आगाह कर दिया है, हर रैली में बात बताई जाती है कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम पूर्णतया पालन करेंगे और लोगों से इस बात को और कहेंगे भी कि आप इसका पालन करिए। समाजवादी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, जनता के लिए जवाबदेह है, लोगों के लिए जवाबदेह है। आपके जान की कीमत हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग नहीं समझते तो कोविड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर भी ऐसा काम कर दिया है कि यानी राम नाम की चादर तक हटाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी संवेदनशील पार्टी है, जनता के लिए जवाबदेह है। इसलिए जो जनता के लिए नुकसान वाली कोई बात होगी उसके लिए हमेशा जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और कोविड की रही बात, इसके लिए जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी होगा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगा, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। लेकिन अभी जिस सम्मेलन में आप है उस सम्मेलन में कोई भी एक व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाया है? नहीं, देखिए, सम्मेलन में मास्क नहीं लगाया है मुझे नहीं जानकारी है। सम्मेलन मास्क लगाना जरूरी है, इसके लिए जो इसके आयोजक महोदय हैं वहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ था, मास्क रखा हुआ था, जो लोग आए थे हाथ सैनिटाइज करके उनको भेजा गया था। लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया हो तो उसके हम अभी दोबारा से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कभी भी इस बीमारी को हल्के में ना लें, हमेशा कोविड नियमों का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि इन दिनों छापों का दौर चल रहा है और छापों में आप लोग उलझे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उलझा जो है आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं, उलझे हैं इस देश के गृह मंत्री। इस देश के गृह मंत्री को दूरदृष्टि दोष है। दरअसल दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन अब चूंकि पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें दूरदृष्टि दोष है तो हमें पास की चीज दिखाई नहीं देती, इसीलिए जब कोई चीज देखनी हो तो दूरबीन से देखने काम करते हैं। अब बताइए, अगर कोई इसी खोपड़ी उल्टी चल रही हो तो हम क्या करें? छापा पड़ना था पुष्पराज जैन के यहाँ, छापा पड़वा दिया पीयूष जैन के यहाँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि 200 करोड़ रुपए में 177 करोड़ रुपए आपने व्हाइट बता दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पीयूष जैन और फाइनेंसर है, इस चुनाव के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए 200 करोड़ रुपए बाकायदे दीवार में रखे गए थे कि हम चुनाव के समय इसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन जब गलती से पकड़ लिए गए, आप मुझे बताइए मीडिया से खबर गायब कैसे होगी इतनी जल्दी? पीयूष जैन 177 करोड़ रुपये व्हाइट बता दिया गया है और 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। अब ये बताइए, वो बता रहे हैं कि 32 करोड़ रुपया आपका टैक्स लगेगा और उसमें कुछ मिला करके करीब 52 करोड़ रुपया आपका पेनाल्टी मिला के जमा करना है। अब 52 करोड़ जमा करके 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कमाई कर ली, अब उसका पूरा दुरुपयोग इसमें किया जाएगा। इसका एक जीता जाता मिसाल आपका ये है कि जो मोदी जी की रैली होती है, एक रैली का खर्चा 50 करोड़ रुपया आता है,
आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी के अलावा, कोई विपक्षी दल पूछ ले या हमारे मीडिया के साथी पूछ ले कि आखिर इतना धन का पैसा इतना कहां से आ रहा है। ये गाढ़ी कमाई हमारी आपकी है, जो हमारे सामने लोग बैठे हैं किसानों की है, पर उसका बिल्कुल मजे से उड़ा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मतलब अपने जीवन के जो भी काम नहीं कर पाए थे, इस बार सत्ता में आने के बाद सारे काम कर रहे हैं। सरकार